मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करने पर पुलिस विभाग ने समित ठक्कर नामक युवक को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर शनिवार को भारतीय युवा मोर्चा की ओर से शहर के आकाशवाणी चौक पर मूक आंदोलन किया गया। मोर्चा का कहना है कि हम ठक्कर की कृति का समर्थन नहीं करते, मगर प्रशासन जिस तरह उसे आरोपी तरह सामने लाया है, इसका हम विरोध करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर महानगर ने हमारे अध्यक्ष विक्की जी पटले इनके नेतृत्व में यहाँ पर एक मुख्य प्रदर्शन का हमने आंदोलन किया है। आप देख सकते हैं एक प्रतिकृति हमने पहनी है, जो राज्य सरकार है, महातिघाड़ी सरकार है, जो जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग कर लोगों का खच्चीकरण करने का काम कर रही है, वो निसंदेह बहुत ज़्यादा निंदनीय है, जिसकी तीव्र शब्द में हम यहाँ पर निषेध व्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके लिए अलग और किसी के लिए अलग, ये जो नियम आप महाराष्ट्र में बनाने जा रहे हो वो निसंदेह बहुत गलत है। आप आपके मन में आएगा तो आप किसी को कुछ भी कहेंगे, लेकिन समित ठक्कर यदि कुछ कहता है तो आप उसको एक अतिरेकी समान ट्रीटमेंट देते हो। भारतीय जनता युवा मोर्चा समित ठक्कर के कहने का समर्थन नहीं करता, वो दोषी है नहीं है ये न्यायालय डिसाइड करेगा, और न्यायालय सर्वतोपरि रहता है, उसका हम मान रखेंगे, उसी को हम मानेंगे। लेकिन जिस प्रकार की ट्रीटमेंट आपने समित ठक्कर को दी है, एक अतिरेकी समान आप जब उसको लेकर आए हो, आपने काला मास्क पहना दिया, हाथ में रस्सी बंधवा दी, ये बहुत ज्यादा घटिया चीज है। बिलो द बेल्ट करने का आपने काम किया है, आपके हाथ में सत्ता है करके लोगों के मकसदों का, लोगों के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता को खच्चीकरण करने का काम जो आप कर रहे हो, महाराष्ट्र की नहीं देश की जनता देख रही है। और याद रखिए सरकार वाले, सरकार में रहने वाले लोगों, इसका खामियाजा आपको निस्संदेह भुगतना पड़ेगा।